आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ एक पेशेंट के बारे में जिसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इरिटेबल बाउल, पाचन संस्था, ऐसे तीनों भी लक्षण थे। इसमें हुआ क्या कि उसको काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से एंग्जाइटी के लक्षण हैं, मतलब दिल में धक धक करना, फिर घबराहट होना, बेचैनी होना, फिर नर्वसनेस है, डिप्रेशन है, इच्छा नहीं कोई काम करने की, फिर छाती में कभी कभी दर्द करना, सिर में दर्द करना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, ऐसे एंग्जाइटी के और डिप्रेशन के लक्षण। तो ये काफ़ी दिनों से चल रहे और उसमें फिर ये पाचन संस्था के लक्षण उसको ऐड हो गए। और पाचन संस्था के लक्षण बोलो तो कभी उल्टी हो जाना, उलाट होना, फिर एसिडिटी, फिर ढकार आ जाना बार बार, या हिचकी लगना, या पेट फूल जाना, अनाज का पचन नहीं होना, और फिर बहुत ऐसा पेट फूलने के बाद में घबराहट ऐसे होना, उसको लगता है कि अभी पेट का कुछ तो भी किया गया, बहुत ऐसा भारी भारी पेट लगना। तो देखिए उसके बारे में, उसका इंटरव्यू मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए क्या हो रहा है आपको। मेरे को छाती है ना, ये धक धक करता है, छाती धक धक करता है, और पेट फूलता है, पेट फूलता है, पेट फूलता है, और ये जो अपना सिर है ना, ये भी भारी भारी रहता है, इसमें ऐसा झपक झपक पड़े, सिर भारी भारी होता है और सिर में झपल झपल करता। हाँ, और क्या होता? बस यही होता। अच्छा। और ये कभी कभी हाथ पैरों में झंझनाहट भी आती है। हाथ पैर में झंझनाहट आती है। हाँ। और क्या हो रहा? बस कितने दिन से हो रहा सभी? ये कभी हमने वो 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो रहे। हाँ। तो आपने दवाई वगैरह लिया इसके लिए? पहले आया था मैं यहाँ पे। हाँ। 4 दिन रुक के गया था बस। तो उस समय आराम पड़ा था आपको 4 दिन रुके? नहीं, मगर यहाँ आने के पहले और कहीं दवाई लिया था आपने? बहुत, इंदौर भी चला गया, भोपाल भी, बहुत रिपोर्ट रखी मेरे पास। इंदौर दवाई लिया था, भोपाल लिया था। हाँ। तो फिर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा? नहीं हुआ। यहाँ फायदा लगा आपको? हाँ, फायदा लगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके अलावा और क्या क्या पेट का तकलीफ है? बस ये पेट में है ना, गैस बनना, लेटरिन सही साट नहीं आना, और ये ऑटोमेटिक धक धक चलना चालू होता है। पेट में गैस बनता है? हाँ। लेटरिन साफ नहीं होती? नहीं होती। और धक धक चलता है? हाँ, चलता। पेट में धक धक चलता है? नहीं, यहाँ पे छाती में धक धक। हाँ। चलता है। अच्छा, कभी कभी छाती दर्द करना। हाँ हाँ। नींद आती कि नहीं? नहीं, नींद पूरी तरह नहीं आती। हाँ। रात को नींद ही नहीं आई। रात को नींद नहीं है? ठीक है, तभी ठीक लग रहा है अभी थोड़ा सा? अभी ठीक लग। ठीक है। अच्छा, बहुत ही दवाई बराबर लो, ठीक हो जाएगा। आप ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा? हाँ सर, दिमाग में कुछ आ जाता है तो फिर। क्या दिमाग में आता है, क्या सोचते हैं? अरे सर, ऐसा सोच लेते हैं कभी कभी कि अपने को क्या हो गया, ये ऐसा कि जो अपने इतने परेशान हो रहे हैं। हाँ हाँ, है ना। बोला अच्छा मजे का, पहले अच्छा खासा घुमाता था, लेकिन अब कुछ ऐसा दिमाग में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रही है मेरे साथ, ऐसा हो रहा। हाँ, ऐसा हो रही है। नसीब को दोष देते? हाँ। टेंशन काय का लेते सर? टेंशन ही, इसी बात का टेंशन हो रही है बस, ये किसी। अच्छा, का बच्चों का टेंशन? हाँ, बच्चों का टेंशन, किसी को देने का। कर्जा है क्या? कर्जा है थोड़ा, कर्जा है थोड़ा सा। हाँ। तो कर्जे से होता है, और देना वेना कितना पैसा है लोगों का? कोई 1 लाख। 1 लाख रुपए देना है। काम क्या करते बताए? किसानी करता हूँ, खेती खेती। हाँ, तो फिर उसमें पैसा देना पड़ेगा उसमें। ठीक है, अच्छे हो जाएंगे आप। हाँ, है ना। दवाई लो, दवा और दुआ दोनों काम करेगी। ठीक है ना, आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका इलाज हमने जो किया वो साइकोथेरेपी, फिर सम्मोहन उपचार, मतलब मानसोपचार, सम्मोहन उपचार, फिर उसको टेंशन क्या है भाई उसके बारे में, कि उसको टेंशन काफ़ी था, उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन भी उसको दिया, एंटी डिप्रेशंट्स, मोटिलिटी बढ़ाने वाली कुछ दवाई दिया उसको, और वो काफ़ी उसको फ़र्क पड़ने लगा, काफ़ी अच्छा होने लगा। तो इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जिनको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, साथ में इरिटेबल बाउल है, और वो तकलीफ होते रहती है, और उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब उनका व्यवसायिक, व्यवहारिक या फिर ज़िंदगी में जीना मुश्किल हो जाता है, और उसमें प्रॉब्लम आते से फिर वो उत्पादन क्षमता उनकी कम हो जाती है। इसलिए उनको अच्छा हो के जल्दी से जल्दी वो अपने काम धंधे में लगना चाहिए और कमाना चालू करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।